गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 16। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 16, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। क्या नेम था? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो कल हमने कितने की टेबल स्पीक की थी? कल हमने की थी 4 की टेबल स्पीक। कितने की टेबल की थी? 4 की टेबल। आज हम क्या स्पीक करेंगे? आज हम 5 की टेबल स्पीक करेंगे। क्या करेंगे? 5 की टेबल को अच्छे से स्पीक करेंगे और इसको अच्छे से राइट करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम 5 की टेबल को स्पीक करते हैं। क्या करते हैं? 5 की टेबल को अच्छे से स्पीक करते हैं। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी पहले अच्छे से अपनी बुक से 5 की टेबल को अच्छे से स्पीक करनी है और फिर आपको बिना देखे अपनी नोटबुक में इसको राइट करनी है। पहले अच्छे से बार बार क्या करना है? 5 की टेबल को स्पीक करना है। क्या करना है? 5 की टेबल को स्पीक करना है और फिर इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। ओके, तो आज हम करते हैं 5 की टेबल स्पीक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। रिपीट अगेन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ऐसे आपको क्या करनी है? बार बार 5 की टेबल को स्पीक करना है। क्या करना है? बार बार इसको स्पीक करना है। और बाद में क्या करना है? जो आपके पास नोटबुक है, जो आपके पास मैथ की नोटबुक है, उसमें क्या करना है? 5 की टेबल को राइट करना है। कैसे राइट करोगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। रिपीट अगेन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30,
फाइव सेवन जा 35, फाइव एट जा 40, फाइव नाइन जा 45, फाइव टेन जा 50। तो इसको आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी बुक से बार बार फाइव की टेबल को स्पीक करना है। क्या करना है, बार बार फाइव की टेबल को स्पीक करना है। और बाद में क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर फाइव की टेबल को राइट करना है। क्या करना है, फाइव की टेबल को अच्छे से राइट करना है। ये क्या आपका एस डब्लू है। पहले अपनी बुक से फाइव की टेबल को अच्छे से राइट करोगे और फिर क्या करोगे, अपनी नोटबुक में फाइव की टेबल अच्छे से राइट करोगे, इनको फिर अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों, आज आपको क्या करना है, फाइव की टेबल को अच्छे से लर्न करना है। ओके थैंक यू बच्चों।